रामनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में सरकार के संरक्षण में धांधली हुई। त्रिवेंद्र सरकार को सस्ता राशन करना चाहिए था, मगर सरकार ने शराब सस्ती कर दी। देवभूमि में शराब की नदियां बहाने में तुली है। राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के तहत कांग्रेस सरकार 5 किलो गेहूं और 9 किलो चावल दे रही थी। भाजपा सरकार ने आते ही गरीब के मुंह में निवाला छीनने के लिए 9 किलो गेहूं और 15 किलो चावल कर दिए। दिल्ली चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने 150 रुपये गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। गरीब अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहा। इस मौके पर पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत, हाजी अक्रम, प्रकाश जोशी, देशबंधु रावत, निशांत पपने, किशोरी लाल, अतुल अग्रवाल, शेर सिंह लटवाल, तैयब खान अग्रवाल और महेंद्र आर्य आदि उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 26 फरवरी को राजधानी में एक मार्च का आयोजन होगा, जिस मार्च के माध्यम से हम सरकार को सीधे सीधे तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार अगर जन विरोधी निर्णय लेगी, कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम करेगी, संघर्ष करने का काम करेगी। हमने देहरादून के अंदर भी मार्च किया था, कल हमने अदानी के अंदर करने जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के साथियों से आज रूबरू होने आया था, और जिस तरीके से कांग्रेस के साथियों में उत्साह है और आम जनमानस में उत्साह है, तो कल का जो मार्च है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। सर, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने भी शराब सस्ती की है, सर उससे क्या युवाओं पे कहीं ना कहीं नशे की चपेट में युवा ज़्यादा आएंगे या क्या होगा इसका? नहीं, शराब में जिस तरीके से मूल्य वृद्धि कम करने का काम किया गया, मूल्यों को जो है कम करने का काम सरकार ने किया है, तो ये सरकार का चरित्र प्रदर्शित करता है। एक और रोडवेज बस का किराया बढ़ाने का काम सरकार करती है। आप देख लीजिए, जिस तरीके से बिजली और पानी के मूल्यों में वृद्धि की जाती है, महंगाई अपने चरम पर है, गैस के मूल्य में बेहताशा वृद्धि की गई है, तो इस एक और जो गरीब आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको ये सरकार महंगी करती जा रही है और शराब को सस्ता करने का काम कर रही है। तो आप सरकार की मानसिकता का पता जो है इस कृत्य से लगाया जा सकता है। तो ये स्थिति, इसीलिए तो हम सड़क पर उतर रहे हैं और हमने निर्णय लिया कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के इस सरकार के खिलाफ संघर्ष का काम